जिले के भोपालगढ़ के कॉलेज छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीड़िता के बयान कोर्ट के समक्ष दर्ज किए गए। पीड़िता ने बताया कि वो जिस समय कॉलेज से वापस लौट रही थी, तभी बोलेरो और मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 5 आरोपियों ने उसका अपहरण कर उसे एक सुनसान मकान में ले गए और वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना के विरोध में मंगलवार को भोपालगढ़ कस्बा बंद रहा था। लेके चले गए थे और वहाँ पे ना गलत काम करने लगे। मैंने विरोध किया था और बचाने खिलाने की भी कोशिश की थी, लेकिन बाद में ना काफ़ी देर बाद में लोग पड़ोस वाले लोग खिलाने के बाद वो बचाने के लिए आए थे, तब तक तो वो भागे थे मुझे मदद से कुछ करके। हाँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए और सब पांचों को सजा मिलनी चाहिए। भोपालगढ़ में जो दिन दहाड़े गैंगरेप हुआ है उसमें जो पीड़िता है उनको नोटिस था 164 के आज उनके बयान हुए हैं मजिस्ट्रेट न्यायालय में और पीड़िता ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है। घटनाक्रम ये था कि दिन दहाड़े भोपालगढ़ में जैसे शहर में जहाँ पे एक दिन दहाड़े इस तरह की एक कार्रवाई हुई जिसके अंदर जो पीड़िता थी उसके साथ गैंगरेप हुआ, 5 लोग का नामजद FIR दर्ज हुई और उसके साथ 2 अन्य लोग हैं और अभी तक एक ही जो अक्यूज है उसको अरेस्ट किया गया है, जो कि अभी कार्रवाई जिसमें अभी जेल उनको पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है और यही जस्टिस होगा कि हम जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करें।